हेलो क्लास नाइन, आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 में हमने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 6.1। आज हम उस 6.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको एक फिगर दी होना है और क्वेश्चन में क्या दी होना है कि ए बी और सी डी एक लाइन है जो आपस में पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है और उसके साथ आपको क्या दी होना है कि एंगल AOC प्लस में एंगल BOE इन दोनों एंगल का सम, ये प्लस में ये इन दोनों एंगल का सम कितना दिया है आपको 70 डिग्री। उसके बाद जो एंगल आपका BOD है, BOD ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री का गिवन है, ठीक है, ये एंगल आपको 40 डिग्री का गिवन है। आपको फाइंड करना है एंगल BOE। एक तो ये अकेला एंगल कितने डिग्री का वो बताओ और फिर आपको बताना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, इस एंगल का रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास COE एंगल की वैल्यू पता हो तो हम उसको 360 में से माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो, जो एंगल आपका AOC है, AOC प्लस में एंगल BOE प्लस में एंगल COE, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? क्या वो 180 डिग्री नहीं होगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए, स्ट्रेट लाइन एंगल, सही बात है। उसके बाद अब एक चीज देखो, इन दोनों का सम कितना दे रखा हमको 70 डिग्री, तो यहां से एक चीज आएगी 70 प्लस में एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, एंगल COE कितना हो जाएगा, ये प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। COE की वैल्यू 110 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको रिफ्लेक्स भी निकालना है इसका COE का, तो रिफ्लेक्स इसका COE का कितना हो जाएगा 360 माइनस ये जो सी हो ये इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये 250 डिग्री। ये तो आ गया हमारा आंसर। अब हमको एंगल BOE और निकालना है। अब एक चीज देखो, कौन कौन सा एंगल, COE प्लस में एंगल BOD प्लस में एंगल BOE तो ये तीनों 180 डिग्री के नहीं होंगे। ये एंगल प्लस ये प्लस ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि CD एक स्ट्रेट लाइन है। रीजन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, सही बात है। अब इन दोनों का सम कितना होगा, COE की वैल्यू कितनी है 110 प्लस में BOD 40 डिग्री गिवन है प्लस में एंगल BOE इज इक्वल टू 180, ये दोनों मिलके कितना 150, ये प्लस का 150 उधर जाकर माइनस का 150 माइनस 150 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी आपका सेकंड आंसर आ गया, ये वाला, ठीक है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या किया है, XY और MN दो लाइन है जो आपस में पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है और आपको क्या किया है एंगल POY ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है। जो A और B का रेशियो है, A आपका ये वाला एंगल है, B ये एंगल है, दोनों का रेशियो गिवन है 2:3। आपको फाइंड करना है सी की वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज देखो, सोल्यूशन कर दे इसका, ए प्लस बी प्लस एंगल POY कितना होगा 180 डिग्री होगा। ए बी और ये इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन आप दे सकते हो क्या, XY एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल। उसके बाद हमको इनका रेशियो गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, तो हम मान लेते हैं लेट जो आपका एंगल ए है, एंगल ए का रेशियो देखा है 2, तो इसको 2x मान लेते हैं और एंगल बी को मान लेते हैं
थ्री एक्स, ठीक है, इनकी वैल्यूज हमने मान ली, ये वैल्यूज इसमें रखते हैं तो क्या आएगा यहां से देखो, 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही बात है, क्यों, a की वैल्यू 2x मान रखी हमने, b की वैल्यू 3x मान रखी, क्योंकि ये रेशियो में गिवन है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, रेशियो में गिवन है, इसलिए इसको 2x और 3x मान लिया, और p और y हमको 90 डिग्री गिवन है तो 90 डिग्री रखा, तीनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे। अब ये कितना हो जाएगा 5x, ये प्लस का 90 उधर जाकर माइनस का 90, x की वैल्यू कितनी है यहां से देखो, ये आएगा 90 और ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, कितना हो गया 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a आपका कितना मान रखा हमने 2x, तो 2 इंटू 18 यानी a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज देखो, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन एंगल है, क्यों, क्योंकि m n आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो सॉरी b और c होगा, ठीक है, b प्लस सी आपका 180 डिग्री होगा क्योंकि m n एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये पूरा दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर दो ही एंगल है तो आप इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकते हो, दोनों ही सेम बात है। अब b की वैल्यू हमको पता है कितनी है 54, तो b की वैल्यू कितनी है 54 प्लस c इज इक्वल टू 180, ये 54 उधर जाकर क्या होगा माइनस होगा, तो 180 में से 54 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 126, ये आ गया आपकी c की वैल्यू। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसका ये फिगर गिवन है, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस मीन्स ये वाला एंगल, और पी आर टी, पी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक है, मान लेते हैं लेट एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, हमने मान लिया कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एक्स डिग्री का है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर पी क्यू आर एक्स डिग्री का है तो एंगल पी आर क्यू कितने का होगा, वो भी एक्स डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है हमको। अब एक चीज देखो, एंगल पी क्यू एस प्लस में एक्स, पी क्यू एस प्लस में एक्स, ये दोनों एंगल मिलके कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। सही बात है, रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहां से पी क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस एक्स के, इक्वेशन नंबर वन, प्लस का एक्स उधर जाकर माइनस का एक्स। अब एक चीज देखो, एंगल पी आर टी, पी आर टी प्लस में ये एंगल एक्स डिग्री का है, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहां से पी आर टी की वैल्यू क्या आएगी, 180, ये प्लस का एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स, तो क्या आएगा 180 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया। अब एक चीज देखो, क्या लिखो, क्या फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू को ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड तो दोनों इक्वेशन की इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहां से क्या लिख दोगे, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या गिवन है, इस फिगर के अंदर एंगल एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, ये चार एंगल गिवन है, जिसके अंदर आपको और क्या गिवन है कि ये एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम इक्वल गिवन है, वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इन दोनों के सम के इक्वल गिवन है,
आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, तो क्या कितना होगा 360 डिग्री। रीजन क्या दे दोगे इसका, कंप्लीट एंगल। सही बात है। अब हमको क्या गिवन है कि x प्लस वाई और w प्लस z दोनों इक्वल आपस में, तो क्या हम इस x प्लस वाई की जगह w प्लस z लिख सकते हैं, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, सो इसका इक्वेशन नंबर वन दिया, सो इक्वेशन वन विल बी क्या हो जाएगा, w प्लस z प्लस फिर दोबारा से ये वाला w प्लस z इज इक्वल टू 360। क्या किया हमने, ये x प्लस y की जगह हमने w प्लस z लिख दिया, लिख सकते क्योंकि इक्वल गिवन है। अब दो बार w है और दो बार z है, तो ये कितना हो जाएगा 2w प्लस में 2z इज इक्वल टू 360। यहां से 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या आएगा w प्लस z इज इक्वल टू 360। ये 2 जो मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में होगा, w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिवाइड में 2 यानी के 180। अब एक चीज देखो, w प्लस z ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के हैं, ठीक है, तो बिकॉज w प्लस z इज इक्वल टू 180, सो a o b इज ए स्ट्रेट लाइन, because w and z both are linear pair of angles, क्योंकि w और z दोनों क्या है, linear pair है, और linear pair आपको पता है सिर्फ और सिर्फ straight line पे बनते हैं, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिगर में क्या गिवन है, ये एक रे है ओ आर जो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, और ओ एस कोई रे है जो इंटरसेक्ट कर रही है एंगल पी ओ एस, पी ओ आर को दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, पी ओ एस एंड एस ओ आर, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस जो है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल क्यू ओ एस एंड एंगल पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री का गिवन है, तो एंगल पी ओ आर कितने का होगा, वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों मिलके तो 180 डिग्री के होंगे ना, लीनियर पेयर। तो अब एक चीज देखो, एंगल पी ओ आर ये किसके इक्वल है, पी ओ आर किसके इक्वल है, ये एंगल प्लस में ये एंगल दोनों एंगल के सम के इक्वल, तो ये दोनों एंगल का क्या नाम है, एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, इक्वेशन नंबर 1। सही बात है। अब एक चीज देखो, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर ये जो 90 डिग्री का, ये किसके इक्वल है, अगर हम इस पूरे एंगल में से, ठीक है, अगर हम इस पूरे एंगल में से आर ओ एस को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, क्यू ओ आर बचेगा। सही बात है। तो एंगल क्यू ओ एस में से माइनस कर दो एंगल आर ओ एस, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, तो एंगल पी ओ आर माइनस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे, एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब माइनस में ये दोनों आएंगे, अब जब माइनस में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
प्लस का जो क्यू ओ एस है, या फिर एक बार आप सिंपल ऐसे लिख लो क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, इसको माइनस करना हमने, ठीक है। पी ओ आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और क्यू ओ आर कितने डिग्री का, वो भी 90 डिग्री का, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या है इधर से, जीरो इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, ठीक है। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखो माइनस का तो एंगल क्यू ओ एस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का एंगल आर ओ एस, यही होगा। अब देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू आर ओ एस, तो टू ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू ये जो है प्लस में आएगा, प्लस में एंगल पी ओ एस, प्लस में एंगल, माइनस में एंगल क्यू ओ एस, माइनस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या किया स्टेप में, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू आर ओ एस, प्लस का एंगल पी ओ एस, माइनस का एंगल क्यू ओ एस, और इक्वल टू जीरो था तो इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस का जो टू एंगल आर ओ एस है, इसको तो इधर ही रखते हैं, इन दोनों को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का क्यू ओ एस उधर जाकर प्लस का क्यू ओ एस, और ये प्लस का पी ओ एस उधर जाकर माइनस का पी ओ एस, सही बात है। अब ये जो टू मल्टीप्लाई में आर ओ एस के, ये इधर जाकर दोनों के डिवाइड में आएगा, तो यहां से क्या होगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू ये जो टू मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में आया किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप था, तो यही हमको प्रूव करना था, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको फिगर नहीं गिवन है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो है 64 डिग्री का, और कोई लाइन है एक्स वाई जिसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया है, तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। कोई लाइन है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, इस लाइन को पॉइंट पी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, तो 64 तो 90 से कम का ही होगा, तो 90 से कम ये बना दिया हमने 64 डिग्री का, और ये पॉइंट आपका जेड। उसके बाद क्या किया होना है, एक रे है वाई क्यू जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को कोई रे है वाई क्यू जो बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। अब आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, जो एंगल होगा उसको 360 में से माइनस कर दो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो देखो आप सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई पी 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, सही बात है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब मान लेते हैं हम लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स, सो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अगर जेड वाई क्यू एक्स डिग्री का है तो क्यू वाई पी भी एक्स डिग्री होगा, रीजन क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल गिवन हमको, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। अब एक चीज देखो इस इक्वेशन में, एक्स वाई जेड तो 64 डिग्री का है, प्लस में जेड वाई क्यू एक्स क्यू वाई पी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 64 उधर जाकर माइनस का 64, और ये 2x, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू, तो 180 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 116, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर डिवाइड में, तो कितना आएगा 58 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर 58 है, तो एक तो हमको xy क्यू निकालना है,
एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। अब एक्स वाई जेड कितना है हमारा 64 डिग्री गिवन है, प्लस में जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू मतलब एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 58, तो यहां आ गया 58, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122 डिग्री का, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 122। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी वो किसके इक्वल होगा, आप 360 में से माइनस कर दो एंगल क्यू वाई पी को, तो 360 में से माइनस किसको करोगे आप, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 58, तो ये कितना हो गया 10 में से 8 गया 2, ठीक है 302 सॉरी। तो जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी है वो तो आ गया 302, और जो एंगल एक्स वाई क्यू था वो हमारा कितना है 122। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी यहाँ पर 6 के 6 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये नया टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको इन 6 क्वेश्चन में किसी में भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।